हे एवरीवन, वेलकम बैक। कल के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था यूज इफेक्ट हुक के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी लिस्ट के बारे में। ये जो डिपेंडेंसी लिस्ट है, ये होता क्या है, ये वर्क करती है यूज इफेक्ट के साथ। इसको हम क्यों यूज करें और ये कब यूज होता है, ऐसी इसकी क्या नीड थी जो हमें इसकी इसका यूज करना पड़ा, इन सब चीजों के बारे में इसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। और उससे पहले बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा। वहां से जाकर आप मेरे से बेफिक्र होके कोई भी जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आप, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो आज हम बात करेंगे डिपेंडेंसी लिस्ट के बारे में। तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। यूज इफेक्ट को रियल लाइफ में यूज कैसे करना है, यूज इफेक्ट को प्रैक्टिस में कैसे यूज करना है, मैंने दोनों एग्जाम्पल इसके अंदर दिखाई थी। मैंने एपीआई को भी फेच करके दिखाया था यूज इफेक्ट की हेल्प से, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। ये कल का वीडियो का कोड है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू खोल लेता हूँ, न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, सीएलएस सीडी डायरेक्टरी, और मैं माई ऐप के अंदर आ जाता हूँ, माई ऐप के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर एनपीएम को स्टार्ट कर लेता हूँ। एनपीएम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट सर्वर 2 से 3 सेकंड के अंदर ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी ये देखिए, ये हमारा स्टार्ट हो गया। कल हमने क्या किया था, हमें कंसोल के अंदर एपीआई फेच हो रही थी हमारे पास। ये देखिए, एरे मिल रहा है, यहाँ पर एरे मिल रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे पास एक एरे आ रहा है। ये 100 एरेज हैं। जैसे ही मैं अपडेट काउंट पर अगर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, ये आपने देखा, यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये बार बार जो है वो कॉल हो रही है। यूज इफेक्ट क्या करता है, हर बार पेज के रिफ्रेश होने पर, हर बार पेज के रिफ्रेश होने पर क्या करता है, या कोई भी स्टेट वगैरह अगर अपडेट हो रही है, तो ये देखिए, ये तीसरी बार भी कॉल हुआ। जैसे इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट को कॉल किया हुआ है। यूज इफेक्ट क्या करता है, हर बार रेंडर फंक्शन कॉल होने के बाद जो है ये कॉल होता है। तो हमने जैसे ही बोला, हमने बोला पहले इसको कॉल कर दो, फिर जब आपको हम बोले तब आपने फेच एपीआई को कॉल करना है। तो यूज इफेक्ट चलता है रेंडर फंक्शन के कॉल होने के बाद, उसके बाद ये यूज इफेक्ट चला और इसने इस एपीआई को रेंडर कर दिया, सही है। और जैसे ही क्लिक हो रहा है अपडेट काउंट पर, तब ये पेज रिफ्रेश हो रहा है ना, जब जैसे अपडेट हो रहा है तो पेज रिफ्रेश हो रहा है ना, तो तब तब ये क्या हो रहा है, ये हर बार रिफ्रेश होने पर पेज के ये जो यूज इफेक्ट है ये चलता है। तो इस बार ये जो, तो इसलिए ये बार बार जो है ये हमारे पास 100 100 पोस्ट जो है वो आ रही है, ये जो हमने जो फेच की थी। तो यही प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है डिपेंडेंसी लिस्ट ने। डिपेंडेंसी लिस्ट में हमें क्या करना होता है, सिंपल यहाँ पर एक कोमा देकर एम्प्टी एरे पास करना होता है। इससे क्या होता है, ये हम इसको बता देते हैं कि भाई आपने सिर्फ तभी चलना है जब एक बार रिफ्रेश हो, पेज पहली बार जब रिफ्रेश हो तभी आपने चलना है, उसके बाद आपने नहीं चलना। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और अपडेट काउंट पर क्लिक करता हूँ, तो ये पहली बार जो है वो कॉल हुआ है सिर्फ। अब हम जितना मर्जी कर लें तो ये कॉल नहीं होगा, आप देख रहे हैं, अब हम जितनी बार मर्जी कर लें ये कॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी लिस्ट जो है वो ऐड कर दी है। एम्प्टी एरे सिंपल आपको पास करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज थी, मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को भी देख लीजिए अगर आपको डिटेल के साथ देखना है यहाँ पर इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये जो आज का वीडियो है ये भी समझने में ईजी हो।
तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ये शॉर्ट वीडियो ही था क्योंकि सिर्फ सिंपल सी चीज थी, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से लिंक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।